नमस्कार किशन भाई, आपके अपने चैनल मक्का नेगेटिव फॉर्म में फिर एक बार सभी किसानों को बहुत स्वागत है। किसान भाई, बात कर लेते हैं मंदसौर मंडी की। तो किसान भाई, मक्का का जो भाव रहा हमें देखने को मिला 2250 रुपये से 2300 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला मंदसौर मंडी में। वो जो उड़द का भाव था 4600 से 5200 के बीच में देखने को मिला। साथ ही बात कर ले सोयाबीन की, तो किसान भाई सोयाबीन का जो भाव देखने को मिला हमें वो रहा 5800 रुपये से लेकर 7720 रुपये प्रति क्विंटल। साथ ही बात कर ले चना की, 3840 से 4652 रुपये प्रति क्विंटल। मसूर की बात कर ले 5890 से 6620, और धनिया की बात कर ले 6570 रुपये से 12311 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हमें मंदसौर मंडी में धनिया देखने को मिली। बात कर ले लहसुन की, 350 रुपये से लेकर 850 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं बात कर ले सरसों की, तो सरसों का जो भाव रहा किसान भाई 6242 से लेकर 6742 रुपये प्रति क्विंटल। आगे चल के बात कर ले तारामीरा की, 5330 रुपये से लेके 5500 रुपये प्रति क्विंटल। प्याज की बात कर ले किसान भाई, 120 रुपये से लेके 817 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से प्याज देखने को मिला मंदसौर मंडी में। और तारामीर इसबगोला की बात कर ले किसान भाई, 8500 से लेके 13201 रुपये प्रति क्विंटल। साथ ही बात कर ले मटर की, 3502 रुपये से 4471। और अलसिया की बात कर ले 7000 से लेके 7600। और मूंग की बात कर ले 4831 रुपये से लेके 5304 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं आवक की बात कर ले तो 40000 की बोरी के संतरा में आवक देखने को मिली मंदसौर मंडी में। तो किसान भाई, ये थी मंदसौर मंडी अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए भाई चैनल बने रहे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।